हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलिए जी, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन या फिर एक स्कैनर कैसे काम करता है। अब इन चीजों को समझने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये कि आखिर कंप्यूटर प्रिंटर से बातचीत किस भाषा में करता है, मतलब कैसे करता है, उसे कैसे बताता है कि तेरे को भैया क्या प्रिंट करना है और क्या प्रिंट नहीं करना, मतलब अपनी मर्जी से प्रिंट कर दे वो कुछ। आप ये उदाहरण देखो, इन भाई साहब ने एक रस्सी पर एक गाड़ी की फोटो बनाई, अब उस रस्सी को एक पाइप के जरिए दूसरे रोलर पर लपेटना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये जो फोटो जो इस रस्सी पर बनी हुई है नीचे उतरनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पर थोड़ा आगे चलते हैं, अरे फिर निकल गया ये। अब इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखें तो आधी गाड़ी नीचे उतर चुकी है और आधी अभी वहीं पर है। अब आप सोचिए, अगर ये गाड़ी एक इंफॉर्मेशन है जो इस धागे पर बनाई गई है और अगर मैं इस धागे को यहाँ से निकाल कर सीधा कर दूं तो धागे पे सिर्फ काले निशानों के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे हमें ये पता लगे कि ये गाड़ी कभी किसी चीज में बनाई भी गई थी या नहीं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर्स भी अपनी भाषा में, जो उनकी लैंग्वेज होती है यानी बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन की भाषा, उसमें डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो डाटा है इसी तरीके से जीरो और वन की फॉर्म में एक जगह से निकलेगा और दूसरी जगह चला जाएगा। अपना मदरबोर्ड, उसका सॉफ्टवेयर, उसका प्रोग्राम इस भाषा को समझेगा और वही प्रिंट निकालेगा जिसकी कमांड आपने दी है। तो ये तो हो गया डाटा को ट्रांसफर करने का तरीका। तो मोटा मोटा हम इन 10-12 चीजों के ऊपर बात करेंगे, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं सारी चीजें वैसे भी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। प्रिंटर्स को बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक कागज के ऊपर से जानकारी दूसरे कागज के ऊपर कैसे पहुंचाएं, और ये बहुत बड़ी समस्या थी। जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या किया। अब जरा देखिए प्रिंटर काम क्या करता है। प्रिंटर एक कागज से जानकारी दूसरे कागज तक पहुंचाता है, लेकिन समस्या ये थी कि आखिर ये जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी कैसे, और इस समस्या को सुलझाया हमारी 12वीं क्लास की फिजिक्स ने। हाँ जी, आपने फिजिक्स में चैप्टर देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिस टाइम वो पढ़ा होगा शायद आपको ना समझ में आया हो कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां होगा। भाई साहब, इसका इस्तेमाल आपके प्रिंटर में, आपके एयरप्लेन में, यहां तक कि जो आप माइनिंग करते हो यानी ब्लास्टिंग करते हो उसमें, और तेल के टैंकर्स में, ट्रक्स में, हर चीज में इस्तेमाल होता है। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जानकारी ना होती तो शायद जितनी भी चीजों का मैंने नाम लिया है इनमें से एक भी चीज आज काम नहीं कर रही होती। और ऐसा क्यों, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन उसमें ऐसा खास क्या था। तो जी, उसने आपको दो बातें बताई। पहली तो ये कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जिसे हम कहते हैं कूलम फोर्स, और दूसरी ये कि एक इंसुलेटर को भी चार्ज दिया जा सकता है जिसपे चार्ज एक जगह रुका रहेगा, क्योंकि कंडक्टर में तो चार्ज इधर उधर आवारागर्दी करते हैं लेकिन इंसुलेटर पर चार्ज मूव नहीं करता है, एक जगह चुपचाप बैठता है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से संबंधित। अब देखो, आपने फोटोकॉपी मशीन तो देखी ही होगी। सबसे बड़ी समस्या जो थी हमारे सामने वो ये कि ये जो फोटो है, जो कागज कांच के ऊपर रखा हुआ है, इसकी तस्वीर को हम नीचे प्रिंटर के अंदर लेकर कैसे आए। ये बहुत बड़ी समस्या है, आपको शायद सुनने में ना लग रही हो लेकिन है, अभी समझ में आ जाएगी। अब देखो, इस चीज के इलाज के रूप में इंजीनियर्स ने ये सोचा, जैसे मेरे हाथ में इस टाइम ये एक कागज है जिसके ऊपर ए बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से इसको काट दूं, मतलब कागज में से निकाल दूं, और यहाँ पर एक लाइट सोर्स यानी कि रोशनी फेंकने वाली किसी चीज को रखूं, जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, या किसी बॉक्स के ऊपर इसको चिपका दूं जिसके अंदर लाइट सोर्स हो, तो होगा क्या, ये कागज सारी रोशनी को ब्लॉक कर देगा और जहां से ये कटा हुआ है वहां से रोशनी निकलकर किसी स्क्रीन पर जाकर पड़ेगी। अब इससे होगा ये, इस ए के आकार की रोशनी इधर चली जाएगी, स्क्रीन पर चली जाएगी और इसकी इमेज बन जाएगी। तो यहां से अपने को ये बात समझ में आई कि हमें इस कागज से ये जो ए अल्फाबेट है, इसकी परछाई कह लो आप या फिर इसका रिफ्लेक्शन कह लो, इसको नीचे उतारना है, और रिफ्लेक्शन या परछाई बनाने के लिए हमें लाइट सोर्स चाहिए। तो हमने एक काम किया, हमने एक लैंप लगाया। लैंप कैसा, ये है हमारा लैंप। अब ये लैंप जो रोशनी देगा वो इसके ऊपर पड़ेगी, और हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि सफेद चीज की या सफेद रंग की प्रॉपर्टी है कि वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो लैंप से पड़ने वाली रोशनी जब कागज के सफेद हिस्से पर टकराएगी तो वहां से तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो काला हिस्सा है, जो पहले से हमारा प्रिंट मौजूद है कागज के ऊपर, वो लाइट को सोख लेगा
वहां से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अब इससे होगा ये कि जब ये रोशनी टकराकर इस ड्रम पर गिरेगी, ये हमारा ओपीसी ड्रम है, इसके बारे में बताऊंगा। तो जब ये रोशनी टकराकर इस ओपीसी ड्रम पर गिरेगी तो जो कुछ भी कागज पर प्रिंट होगा उसकी एक परछाई इस ड्रम के ऊपर बन जाएगी। बाकी सब जगह रोशनी गिरेगी, सिर्फ इस जगह से नहीं गिरेगी, क्योंकि काला रंग रोशनी को सोख लेगा। अब देखो जी अगली समस्या आ गई। समस्या ये कि किसी तरीके से हम घुमा फिरा के जुगाड़ लगा के परछाई को तो नीचे ले आए, लेकिन ये ड्रम घूमेगा। अब अगर ये ड्रम घूमेगा तो परछाई इसके साथ चिपकेगी थोड़ी, हमें तो परछाई चिपकानी है। किसी तरीके से अगर हमारी इस पे परछाई चिपक जाए, तब ये ड्रम अगर घूमे तो ये कागज के ऊपर जाएगा, फिर आगे की चीजें होंगी। तो हमारे सामने ये समस्या आई कि इस ड्रम के ऊपर हम परछाई को कैसे चिपकाएं, क्योंकि यहाँ तो परछाई लग नारा के चिपकेगी। अरे काहे को टेंशन ले रहे हो, अभी चिपकाते हैं परछाई। परछाई चिपकती नहीं देखी, आज चिपका देंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने हमें ये बताया कि भैया इंसुलेटर पे अगर चार्ज आ जाए तो वो एक जगह चिपक कर बैठा रहता है। तो क्यों ना एक काम करें कि इस ड्रम को इंसुलेटर बना दें और उस इंसुलेटर पर परछाई वाले हिस्से पर चार्ज बैठा दें। अब अगर परछाई वाले हिस्से पर चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि चार्ज इंसुलेटर में मूव नहीं करता है, तो जब ये ड्रम घूमेगा तो वो परछाई इसके साथ चली जाएगी। अब ये मैंने बता तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे? समस्या तो ये है, हम ये जानते हैं कि किसी इंसुलेटर को चार्ज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो फ्रिक्शन या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के संपर्क में उसको ले आओ। तो हम एक चार्जिंग रोलर के संपर्क में अपने ओपीसी ड्रम, जिसको ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर भी कहा जाता है, उसे चार्जिंग रोलर के संपर्क में ले आए। अब क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये इंसुलेटर है सेलेनियम का बना हुआ है, सेलेनियम की कोटिंग इसके ऊपर चढ़ाई गई है, अंदर एल्यूमिनियम है, तो ये चार्ज को अपने ऊपर लेकर इस तरह से घूमने लग जाएगा। अब आगे देखिए, और अगर आपने प्रिंटर वगैरह कभी खोले हो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं आपको कहां दिखाऊं, ये यहाँ पे इससे बिल्कुल लगा हुआ है चार्जिंग रोलर, ये वाला जो हिस्सा है, चल ही नहीं रहा, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका चार्जिंग रोलर। लो जी, अब हमारे पास फोटो को ले जाने के लिए चार्ज भी मौजूद है, ड्रम के ऊपर चार्ज आ गया। लेकिन एक और समस्या आ गई। देखो, अब जरा आप ये सोचिए कि भैया लाइट जो है लैंप से, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन लेकर आ गई, और ये आपका ड्रम था जो कि चार्ज था, इसके ऊपर पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ फोटो बन जाएगी। हाँ, बननी तो चाहिए, प्लानिंग तो कुछ ऐसी थी हमारी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सारी प्लानिंग फेल हो गई। अब क्यों नहीं हुआ वो सुनो। आखिर लाइट के पड़ने से यहाँ पर इन चार्ज की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हुआ ये, यहाँ से रोशनी यहाँ पर गई, काले वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो गई वो यहाँ पर आकर पड़ गई। जहाँ काला वाला हिस्सा था, यानी कि इसकी परछाई वाला, वहाँ पर भी चार्जेस मौजूद हैं, और जहाँ रोशनी गिर रही है वहाँ भी चार्जेस मौजूद हैं। जब दोनों जगह चार्जेस मौजूद हैं, तो चार्ज की परछाई इस ड्रम पर कैसे बनेगी? हाँ जी, नहीं बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी। अब यहाँ पर इंजीनियर्स ने ये सोचा कि अगर किसी तरीके से जिस जगह पर रोशनी गिर रही है वहाँ पर इस ड्रम के ऊपर से चार्जेस खत्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, तो सिर्फ वही जगह बचेगी जहाँ रोशनी नहीं गिरी, और हमारी सेम फोटो जो हमने कागज से उतारी है वो इस ड्रम के ऊपर बन जाएगी, चार्जेस के रूप में बन जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? अब इसी समस्या को सुलझाया सेलेनियम कोटेड एल्यूमिनियम ड्रम ने। कैसे? देखिए, सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है, यानी ये रोशनी में एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और अंधेरा होने पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब यही खास प्रॉपर्टी की वजह से हमने एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की थी। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई साहब, पढ़ना तो चाहिए, अब नहीं पड़ेगा तो वो आगे पता कर लेंगे। देखो हुआ क्या, अब रोशनी गिरी तो जो सेलेनियम वाला हिस्सा था वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, और हमने सोचा कि हमारी परछाई जो ऊपर से हमने फोटो उतारी है वो यहाँ पर आ जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो जी, ऐसा इसलिए नहीं हुआ, चार्जेस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज को खत्म नहीं कर सकते, चार्ज को न्यूट्रल किया जा सकता है अपोजिट चार्ज देकर। अब समस्या ये थी कि इस सेलेनियम ड्रम को अपोजिट चार्ज कहां से दें? बड़ी समस्या। अब आप सोच रहे होंगे जैसे हमने चार्ज किया था एक रोलर लगाकर, ऐसे ही एक और रोलर लगाओ जो इसको डिस्चार्ज कर दे। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमने परछाई बनाई है, भाई साहब, ये भी निबट जाएगी, खत्म, क्योंकि इसको भी वो न्यूट्रल कर देगा। अब हमें एक ऐसा जुगाड़ चाहिए कि इस परछाई को वो न्यूट्रल ना करे, सिर्फ इसी हिस्से को न्यूट्रल कर दे जहां पर रोशनी गिर रही है। और इस समस्या को सुलझाया एल्यूमिनियम ने, क्योंकि ये अंदर एल्यूमिनियम है। तो हमने एक काम करा, जो चार्ज सेलेनियम के ऊपर था उसका अपोजिट चार्ज
एल्यूमिनियम के ड्रम को दे दिया। अब हुआ ये, जैसे ही रोशनी पड़ी तो ये सेलेनियम एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, कंडक्टर की तरह काम करने लगा, और जैसे ही ये कंडक्टर बना, एल्यूमिनियम से चार्ज सीधा सेलेनियम के ऊपर, और अपोजिट चार्ज जब आपस में टकराए वो खत्म हो गए, मतलब न्यूट्रल हो गए, और वो चार्जेस न्यूट्रल हो गए, और जहां पर रोशनी नहीं गिरी थी वहां पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, वहां इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, तो नीचे चार्जेस नहीं आ पाए, और ये बनकर तैयार हो गई हमारी परछाई। अब परछाई बन गई, अब तो प्रिंट निकलेगा, यूं निकलेगा देखो। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार दोबारा छोटा सा रिवीजन दे दूं कि आखिर हो क्या रहा है, सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। ये दोनों प्ले कर देता हूं। देखो हुआ ये, लैंप से रोशनी गई कागज पर, सफेद वाले हिस्से ने रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि सफेद सारी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, काले वाले हिस्से से कोई रोशनी नहीं आई। अब ये रोशनी पड़ी सेलेनियम के, कहां गया, अब ये रोशनी पड़ी सेलेनियम के ड्रम पर। जब ये सेलेनियम के ड्रम पर पड़ी तो जिस हिस्से पर रोशनी गिरी थी वो कंडक्टर बन गया। कंडक्टर बनते ही इसके नीचे जो एल्यूमिनियम ड्रम था उसके पास इसकी सरफेस पे जो चार्ज था उसका अपोजिट चार्ज था, तो कंडक्टर बनते ही एल्यूमिनियम ने अपना चार्ज जो है इस ड्रम को दे दिया, तो वो चार्जेस जहां पर रोशनी गिरी वो तो हो गए न्यूट्रल, और वो चार्जेस बच गए जहां पर हमारी परछाई बन रही थी, इसकी परछाई यानी कि जहां से कोई भी रोशनी नहीं आ रही थी, तो परछाई हमारी बन गई। अब जब ये ड्रम घूमेगा तो वो परछाई इसके साथ साथ घूमेगी, ठीक है जी। इतना काम हो गया, अब आगे देखो। अब यहां पर जो खिलाड़ी बचे हुए हैं वो हैं ये, एक तो है आपका टोनर एडर रोल। इसका क्या काम है? इसका काम है जो आपकी इंक होती है उस इंक को जो डेवलपर रोलर है इसके ऊपर चढ़ाना, और ये ट्रांसफर करेगा ओपीसी ड्रम को। ये है ओपीसी ड्रम, कैसे करेगा वो समझाता हूं। देखिए ये जो आपका टोनर एडर रोलर है ये क्या काम कर रहा है, जो इंक यहां से आ रही है उन इंक के दानों को चार्ज कर रहा है, अपोजिट चार्ज कर रहा है। अपोजिट चार्ज से फायदा क्या, देखो हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये बात हमें कैसे पता, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइंस में यही तो पढ़ाया गया है। अब वो कितनी ताकत से एक दूसरे को खींच रहे हैं यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो रिपल्शन की हो या फिर अट्रैक्शन की हो, ये हमें 12th में बताया गया है। उस फोर्स को हम कहते हैं कूलम फोर्स। तो आप समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां कहां इस्तेमाल होती है। तो इस रोलर को हमने अपोजिट चार्ज दिया, इसने ये चार्ज इस इंक के दाने को दे दिया। अब ये इंक के दाने जो हैं इस रोलर के ऊपर चढ़ गए, अब इस रोलर की पीठ पे सवार होकर ये पहुंच गए इस ड्रम के पास। अब क्योंकि इंक के पास और इस ड्रम के पास अपोजिट चार्ज था, तो जहां पर इस ड्रम के ऊपर हमारे द्वारा बनाई गई परछाई मौजूद थी वहां पर इंक के दाने चिपक गए, क्योंकि दोनों के पास अपोजिट चार्ज है तो वो चिपकेंगे। ये आप देख भी पा रहे हो कि यहां से इंक के दाने, ये अपना ओपीसी ड्रम है, इस पे जो भी कुछ हमने लिखा हुआ है, क्योंकि इंक के दानों का और ओपीसी ड्रम का चार्ज अलग है, तो ये दाने वहीं चिपकेंगे जहां पर इस ओपीसी ड्रम के ऊपर कुछ लिखा हुआ परछाई के द्वारा बनाया गया, चार्जेस के द्वारा बनाया गया मौजूद होगा, ठीक है जी। आगे देखो, अब एक पेपर जो है पेपर ट्रे से निकलेगा, ये आप यहां पर देख पा रहे हो। अब इस ओपीसी रोलर से इंक के दाने पेपर पर ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर होने के बाद हीटेड रोलर ने उन्हें मेल्ट कर दिया और कागज के अंदर फ्यूज कर दिया। अब यहाँ पर एक और काम है, जो हमने इमेज बनाई थी उस इमेज को मिटाना भी तो है, कौन मिटाएगा, मिटा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये जो अपना चार्जिंग रोलर है, जो अपना ओपीसी ड्रम है, उसकी इमेज को मिटा देगा, न्यूट्रल कर देगा उसे। तो ये दोनों काम करता है, मतलब पुरानी इमेज को इरेज करने का भी और नई इमेज को बनाने का भी, मतलब पूरे ड्रम को चार्ज करने का भी। और बस प्रिंट निकल के आ गया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा प्रिंट कहीं से डार्क कहीं से हल्का ऐसा क्यों नहीं आता, मतलब यूनिफॉर्म क्यों आता है। वैसे हल्का डार्क भी आता है, आज का प्रिंटर गड़बड़ भी कर देते हैं कई बार, लेकिन ज्यादातर प्रिंट जो है यूनिफॉर्म आता है, यानी कि एक समान इंक, जैसा हमने कागज स्कैन किया बिल्कुल ठीक वैसा ही प्रिंट आ रहा था। तो उसका कारण ये है कि एक हमारे पास ना डॉक्टर ब्लेड करके होता है, ये 15 माइक्रोन की थिकनेस तक इंक को इसके ऊपर जाने देता है, उससे ज्यादा नहीं, बाकी की सारी इंक को ये रोक लेता है, ब्लॉक कर लेता है। अब क्योंकि ये सारे चार्ज पार्टिकल थे तो सारे के सारे चाहेंगे कि भाई हम भी चिपक के निकल लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये ब्लेड इसको रोक देगा और बस हीटेड रोलर से निकलेगा और कहानी खत्म होगी। बस प्रिंटर ऐसे ही काम करता है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो अगर एक बार मुझे दोबारा बताना हो तो शॉर्ट में ये है कि यहाँ हमने कागज रखा, लाइट से कागज के ऊपर रोशनी पड़ी, जो सफेद हिस्सा था उसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, जहां पर लिखा हुआ था वहां से कोई रोशनी ट्रांसफर नहीं हुई। ये सेलेनियम का बना हुआ था, हमने पहले से ही चार्ज करके रखा हुआ था, और इसके नीचे एल्यूमिनियम था, तो जैसे ही लाइट सेलेनियम के ऊपर पड़ी ये कंडक्टर बन गया,
एल्यूमिनियम से चार्ज सेलेनियम पर गया और उस सारे चार्ज को कैंसिल कर देता है जो इस ड्रम के ऊपर मौजूद था, सिवाय उसको छोड़कर जहां पर परछाई पड़ी थी। अब वो परछाई इस ड्रम के साथ घूम के नीचे आई, इंक के दानों को हमने चार्ज कर दिया, अपोजिट चार्ज दिया तो वो उस परछाई के ऊपर चिपक गए। अब क्योंकि अपोजिट चार्ज चिपक गए तो ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ से कागज गया, इसको भी चार्ज दे दिया तो इन्होंने इंक के दानों को नीचे खींच लिया। दो रोलर के अंदर से निकला, उनमें से एक हीटेड रोलर था और प्रिंट होके बाहर निकल के आ गया। बस इतना ही था, हो गया। अब ये तो था फोटोस्टेट। जो लेजर प्रिंटिंग होती है यानी कि आपका जो लेजर जेट प्रिंटर होता है उसमें क्या है, आपके कंप्यूटर के द्वारा जिस चीज का प्रिंट निकालना है उसकी कमांड देने के बाद प्रिंटर का सॉफ्टवेयर उस चीज को समझकर, उस इमेज को समझकर लेजर को बिल्कुल उसी तरीके से भेजेगा जैसी इमेज निकालनी है। मतलब कहां पर परछाई रखनी है, कहां पर रोशनी भेजनी है, ये सारी कैलकुलेशन वो अपने आप कर लेगा। आप ये भी पूछ सकते हो कि इतना झंझट क्यों पाल रखा है, आजकल सारी चीजें AI से जुड़ी हुई है, तो प्रिंटर को भी स्मार्ट बना दो, स्मार्ट प्रिंटर क्यों नहीं ले आते। मतलब हम प्रिंटर को बताएंगे भैया तेरे को ये प्रिंट करना है और वो निकाल देगा, कितना बढ़िया होगा। जितना अच्छे से हम बताएंगे उतना अच्छे से वो बना लेगा। अब प्रिंटर के साथ समस्या ये है, मान लो आपने उससे ये कहा कि भाई तेरे को एक रोबोट की फोटो निकालनी है, ठीक है, तो रोबोट को तो वो कुछ भी समझ सकता है। अब आप तो हो टर्मिनेटर वाले रोबोट के फैन और वो है भैया रजनी अन्ना का फैन, तो वो तो ये कहेगा रोबोट तो ये भी है, इंडिया में तो ये रोबोट खूब चला था, तो तुम्हारा रोबोट मेरे रोबोट से अलग कैसे। मतलब ज्यादा नखरे ना दिखाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में इतना ही मिलेगा, इससे काम चला लो। और मैंने आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज प्रिंटर के बारे में तो बताया ही नहीं। हाँ जी, ये भी दो तरीके के आते हैं। अब लव मैरिज प्रिंटर वो होते हैं भैया, जैसे कि आप अपनी पसंद से अगर मान लो किसी लड़की को पसंद करके शादी करके अपना घर में ले आए और फिर बाद में मैडम को ये पता लगता है कि इस घर में तो भैया रहने सहने का तरीका ये है, ऐसे रहना पड़ेगा, तो टकराव होंगे परिवार में। ठीक प्रिंटर के साथ भी ऐसा होता है, आप मार्केट गए, आपको कुछ ऐसा प्रिंटर दिखाई दे रहा था, देखने में बढ़िया था, तारीफों के पुल बांध दिए गए, आप ले आए। अब जैसे ही आपने प्रिंट कमांड दी, उसने दांत दिखा दी, प्रिंट ऐसी चकल बना दी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंप्यूटर जिस भाषा में इस प्रिंटर को अपनी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। ना 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 ना, मैं तुम्हारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को नहीं समझता, अब अगर तुम्हें कोई प्रिंट निकालना है तो पहले मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और उसके बाद उसके थ्रू प्रिंट दो, तब मैं समझेगा, नहीं तो ये प्रिंट ना निकालने वाला। अब ये सच्चाई लव मैरिज में हो जाती है कई बार, मतलब आप सोचते कुछ हो बाद में निकलता कुछ है, ठीक है जी। और ये अरेंज मैरिज वाला प्रिंटर है, अरेंज मैरिज वाले प्रिंटर पहले आते थे, इनमें क्या होता था जैसे अरेंज मैरिज में गुण मिलाए जाते हैं ना कि भैया लड़के के ये गुण लड़की के ये गुण और ठीक है दोनों की जोड़ी बढ़िया, लपेट दो कर दो शादी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका अरेंज मैरिज वाला प्रिंटर है उसे आप किसी भी कंप्यूटर से लगाओ, प्रिंट कमांड दो, धड़ाधड़ प्रिंट निकालेगा, कोई मतलब नहीं इसको सॉफ्टवेयर से, जहां लगाओगे वहीं सेट। लाइफ लॉन्ग चलने वाले प्रिंटर थे और इनका तो आपको पता ही है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि फोटोकॉपी मशीन प्रिंटर वगैरह कैसे काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम स्पेस में प्लॉट काटने जा रहे हैं, यानी कि स्पेस में अगर हमें कॉलोनी बसानी हो तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, साइंटिफिकली क्या क्या दिक्कत आएंगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, ठीक है जी। तो ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।